तुम्हारे खिलाफ बयान देने को तैयार हो गई है। कल मजिस्ट्रेट के सामने वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, जिसके बिना पर हमें तुम्हारा अरेस्ट वारंट मिलेगा और फिर हम आएंगे तुम्हें गिरफ्तार करने। शिवानी ताई। क्या बात है शिवानी, कब से चुप चुप सी बैठी है? बिन्नी के बारे में सोच रही है? और कौन है ताई, जिसने हमारा दिमाग खराब करके रखा है आजकल। उसके स्टेटमेंट देने पर हमारा पूरा चिंगारी संगठन कानून के लपेटे में आ सकता है ताई। ये गैंग खत्म हो जाएगा, हम सब अंदर हो जाएंगे। बात समझाने की नहीं है शिवानी, समझने की है। सवाल ये है कि गलत के खिलाफ लड़ते लड़ते हम कहाँ गलत हो बैठे। हमने कुछ गलत नहीं किया है ताई। जो कानून नहीं कर पाया लोगों के लिए, वो हमने दिया उन्हें न्याय। और अगर उसके लिए हमें गलत रास्ता भी चुनना पड़ा तो क्या हुआ ताई? रास्ता गलत या सही, ये तो मंजिल तय करती है शिवानी, मुसाफिर नहीं। अरे ताई, ये हम कहाँ पर आ गए? हमें तो दरगाह जाना था ना। लगता है ये भी रास्ता गलत ही ले लिया हमने। कोई बात नहीं, अब भी वक्त है, यू टर्न ले सकते हैं। हर रास्ते पे वापस लौट जाने का एक आसान मोड जरूर होता है, बस हमें उसे देख नहीं पाते। अक्लमंदी गलत रास्ते पे भटकने में नहीं है, ठीक तो पे वापस लौट जाने में है शिवानी। जो भटक जाए वो मुसाफिर ही क्या ताई। शिवानी कभी यू टर्न नहीं लेती, शिवानी कभी गलत नहीं होती ताई। मम्मी ने ये तो क्या हुआ, ये है ना तेरी कंजूस ताई। और मैं हूं ना तेरी दिल वाली जिज्जी। विनी, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये चिंगारी गैंग वाले कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करें, अल्टीमेटली ये लोग एक गैर कानूनी संस्था है। अगर हमारी जगह कल को कोई और दूसरा पुलिस ऑफिसर आएगा जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रमोशन से मतलब है, तो वो तो सिर्फ चिंगारी गैंग को पकड़ने में इंटरेस्टेड होगा ना, फिर चाहे उन्हें पकड़ना जिंदा हो या मुर्दा। क्या तुम चाहती हो उनके साथ ऐसा हो? चीते, चीते, क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? कुछ चाहिए हो तुमको? चीते, मैंने बहुत सोचा। क्या सोचा? यही जो मैं कर रही हूं, पर मैंने यो लग रहा है कि मैं जो कर रही हूं वो सब गलत है। मैंने ना कुछ अंदर से अच्छी फीलिंग ना आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार को धोखा दे रही हूं। पर यो कैसा प्यार हुआ चीते, जिसमें अपने परिवार को धोखा देना पड़े? यो तो विश्वासघात हुआ ना चीते। मने ना लग रहा है कि मैं अपने ही लोगों के खिलाफ बयान दे पाऊंगी। पता है बिन्नी, बचपन में ना हमारे बाबूजी रामायण और महाभारत का प्रसंग ना इसे पढ़कर सुनाया करते थे। हम छोटे थे, हमारा उम्र कम था, समझ कम थी, इसलिए उस वक्त उस अनमोल ज्ञान का अर्थ हमारी समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए, इस जिंदगी रूपी महाभारत को खुद से जीने लगे, तब हमारा ज्ञान चक्षु खुला। तब हमको समझ में आया, जिस परिस्थिति में अभी तुम हो, ठीक उसी परिस्थिति में एक दिन अर्जुन थे। तो परेशान हो गए थे, सोचने लगे थे कि हम अपना ही लोग के विरुद्ध हथियार कैसे उठा ले, अपना ही लोग को मारे कैसे, उनसे युद्ध कैसे करें। और तब पता है कृष्ण भगवान ने उनसे क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जो कह रहे हो, तुम जो कर रहे हो, यदि वह सही है और सत्य है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। अधर्म की लड़ाई में हमेशा सत्य ही महत्व रखता है। समझ गई श्री चितेश्वर महाराज, धन्यवाद हमारे ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए। सच में? कैसा आवाज आ रही? नीचे नीचे। ये कौन प्रजाति का केकड़ा बना है तुम? नाम तो सुना होगा ना? नहीं सुनना है, मेरी याददाश्त मिट गई है। राहुल नाम है हमारा। बाबू ऐसा खतरनाक चीज देखने के बाद से हमारा याददाश्त मिट भी जाए ना तो हमको बहुत ज्यादा खुशी होगा। देख तुम्हारे चक्कर में लेट भी हो गए, मजिस्ट्रेट ऑफिस जाना था हमको, गाड़ी तक चेक नहीं किया। इधर है ऐसे बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होते रहते चिटोरिटिया। ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। भाभी भाभी तेरा देवर तुमको मिलने आया है। बस एक बात बोलूं आपको? या मैंने माफ करना। क्या? मैंने आपको बहुत पीटा है ना, उसके लिए। भाभी आपका देवर भुलक्कड़े ना भाभी। भाभी देखो अभी मैं, आप और चीता, इन तीनों का बॉन्ड ऐसा है कि धूम मचा देगा, जैसे मैं, चीता और करिश्मा मैडम का बॉन्ड। करिश्मा सिंह नहीं फुप्पा जी। फुप्पा नहीं, भाभी देवर। भाभी तेरा देवर जवान ना। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उस करिश्मा सिंह का पत्ता ना अब कटने वाला है। उसकी गाड़ी ना रुकने वाली है अब। वो गद्दार है गद्दार, वो चिंगारी गैंग में शामिल हो चुकी है और यो बात मैं हसीना मैडम को बता चुकी हूँ। ये तो बात मैडम सर को पहले से पता है। कि करिश्मा जी को गद्दार चिंगारी गैंग में शामिल हो गई है वो। हाँ वो तो हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। आप क्या बात कर रही हो, वो धोखा दे रही है हमें। भाई सिर्फ 2 घंटे बचे हैं बिन्नी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने में। हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो चिंगारी संगठन बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। ताई अब कोई फायदा नहीं है शिवानी, बात अब हमारे हाथ से निकल चुकी है। तो फिर क्या करे ताई, ऐसे ही बैठे रहे चिंगारी संगठन को हमारी आंखों के सामने खत्म होता हुआ देखे? वेट करे कि कब पुलिस आएगी और हमें गिरफ्तार कर ले जाएगी? उससे बेहतर रास्ता है शिवानी। क्या? हम खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। बोल रही है ताई, हम सरेंडर कर ले? मतलब आज तक हम लोगों ने चिंगारी संगठन के लिए जो भी किया सब गलत था, मजलूमों को न्याय दिलाने की मुहिम भी गलत थी। नहीं ताई, ना ही मैं ऐसा करूंगी, ना ही मैं तुझे ऐसा करने दूंगी। एक मिनट फूफा। फूफा नो फूफा, देवर भाभी। हाँ ठीक ठीक है ठीक है। हसीना मैडम को पता था कि करिश्मा सिंह चिंगारी गैंग में शामिल हो चुकी है? या हम मैडम सर सो स्मार्ट, ये प्लान उन्हीं का था। करिश्मा मैडम को चिंगारी गैंग में इंटर कराने का और चिंगारी गैंग में फूट डालने का, आपको और चिंगारी गैंग की शिवानी ताई, उनको अलग अलग करने का। अरे वो हसीना मलिक तुझे इस्तेमाल कर रही है चीता को आगे करके। उस चीता ने पहले भी तुझे धोखा दिया है, वो आज भी तुझे धोखा देगा और आगे जाके भी तुझे धोखा देने वाला है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप अब हमारी तरफ है ना भाभी? भाभी हमारी तरफ ना भाभी? मतलब हसीना मैडम ने हमारे से झूठ बोला? झूठ बोला? अब चिंगारी संगठन की आखिरी उम्मीद तू ही है करिश्मा सिंह, तू ही बचा सकती है अब इस संगठन को। तू एक काम कर, तू बिन्नी से जाकर मिल और उसे कन्विंस कर कि वो चिंगारी संगठन के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट ना दे, उसे लेकर आए यहाँ पर। अभी हम जाते हैं, बिन्नी से मिलते हैं और उसको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे कि वो अपना ये जिद छोड़ दे। तुम टेंशन मत लो, हम हैं तुम्हारे साथ। तुझ पर ही भरोसा है अब। हम चेंज करके आते हैं। एक सेकंड, एक मिनट, मुझे नहीं, ऐसा नहीं है। हसीना मैडम ने धोखा नहीं दिया, हमारा बात सुनो। देखो हमारी तरफ देखो। नहीं बताना था। छोड़ दो भाभी, फिर से धोखा दिया ना मैंने। भाभी छोड़ दो भाभी, भैया मर जाएगा भाभी। हैरानी मने इस बात की ना है कि तू इतना बड़ा जमूरा है, हैरानी मने इस बात की है कि मैं इतनी बेवकूफ कैसे निकली। मैडम सर जल्दी आओ, भाभी भड़क गई है। अरे क्या हो रही है? क्या कर रही है? छोड़ो उसे। हमारी वजह से हमने अपनी माँ समान बैंक को धोखा दिया, सरदार का कलंक अपने सर पर लिया। अब मैंने बस सच अपनी शिवानी जीजी को बताना है, उसको उस करिश्मा सिंह की असलियत बतानी है, और वो मैं अभी बताऊंगी। तुम ठीक हो? जल्दी जल्दी करो बिल्लू। जीजी फोन उठा। हेलो 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 जीजी। बिन्नी जीजी, जीजी करिश्मा सिंह गद्दार है, उनको धोखा दे रही है तने। जीजी अरे हेलो बिन्नी, हेलो बिन्नी, बिन्नी अब क्या करेगी हसीना मलिक? थारी चाल की चिड़िया तो खेत चुग गई। अब तो शिवानी जीजी को सारी हकीकत पता चल गई है करिश्मा सिंह के बारे में। सारे चिंगारी गैंग को खत्म करने का मंसूबा तो फुस हो गया। हम जाते हैं, बिन्नी से मिलते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? अब उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं मतलब? क्या हुआ अचानक? अचानक आकाशवाणी हुई, अचानक झूठ के बादल छटे, अचानक सच का सूरज बाहर आया, और अचानक सब कुछ साफ साफ नजर आने लग गया। हमें करिश्मा सिंह को फोन करके इन्फॉर्म करना होगा कि चिंगारी गैंग को सच्चाई पता चल गई। मैडम सर का फोन है, जानना चाहती होंगी हम कहाँ हैं। झूठ बोल देते कि हमारी तबीयत हल्का लग रहा है ना? हाँ हाँ बोल दे, वैसे भी झूठ बोलने में तुझसे माहिर और कौन हो सकता है। रुक जा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। झूठ छुपन छुपाई खेल रहे उस बच्चे की तरह होता है करिश्मा सिंह, जो आंखें बंद करके ये सोचता है कि कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसे पकड़ नहीं सकता, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में पकड़ा जाता है, जैसे इस वक्त तू पकड़ी गई है। हम कुछ समझे नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? तूने भी मुझे वही दिया जिसकी वजह से शिवानी पवार शिवानी ताई बन गई है। धोखा। अब तुझे बताती हूँ कि शिवानी पवार को धोखा देने का क्या परिणाम होता है। क्या हुआ मैडम सर? शिवानी को फोन लगाते हैं। शिवानी हमारी बात ध्यान से सुनो, करिश्मा सिंह को छोड़ दो, तुम्हारी हमसे लड़ाई। वाह क्या दोस्ती है, अभी तक मैंने इस गद्दार को हाथ भी नहीं लगाया और तुझे पता भी चल गया कि ये मुसीबत में है। दोस्ती हो तो ऐसी। करिश्मा सिंह को छोड़ दो शिवानी, नहीं तो हम वहां आएंगे करिश्मा सिंह को लेने। और हम अगर आएंगे तो ऑफिशियल विजिट पर आएंगे, उसके बाद या तो हम रहेंगे या तुम्हारा चिंगारी गैंग। जानती है ना, रंगरेश गली के बाहर एक बोर्ड है जिस पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर पुलिस वालों का आना मना है। उसकी फिक्र तुम मत करो शिवानी, जब हम तुम्हें और तुम्हारे पूरे चिंगारी गैंग को गिरफ्तार करके अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाएंगे ना, तो वो बोर्ड भी उखाड़कर वहीं रख देंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आजा, देखते हैं वो बोर्ड वही रहता है या फिर करिश्मा सिंह इस दुनिया में रहती है। क्या हुआ? चलिए चलिए रंगरेज गली जाते हैं और करिश्मा सिंह को लेकर आते हैं, दिखाते हैं इस चिंगारी गैंग को पुलिस की असली तपिश। शिवानी, ये तो क्या कर रहे? अरे जाने दे इसे, पुलिस वाले है ये, अगर इसे कुछ हो गया ना तो सारा डिपार्टमेंट हमारा दुश्मन बन जाएगा। तो अभी कौन सा दोस्त है ताई? अभी भी तो घात लगाकर बैठी है पुलिस हमारे लिए। अरे बस रुकी हुई है कि कब आकर चिंगारी संगठन को खत्म कर दे और हमें गिरफ्तार कर ले, और वो मौका हम उन्हें दे रहे। शिवानी, इसे यहाँ रोक के। ताई, या तो तू पुलिस वालों को कुछ ज्यादा ही भाव दे रही है या तो तू मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही है। अरे बिन्नी ने अपना इरादा बदल दिया हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देने से। अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। ये पुलिस वाले ना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इनके पास है ही नहीं कुछ हमारे अगेंस्ट प्रूव करने के लिए। गलती तुम्हारा नहीं है शिवानी, जब इंसान का बुरा वक्त आता ना तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है एकदम। ये जो तुम्हारा अहंकार है ना, यही तुम्हारे चिंगारी गैंग का अंत बनेगा, ये बात तुम ध्यान रखना। सही गलत का सूझबूझ तुम्हारे एकदम डुबा गया है, तुम समझ ही नहीं पा रही हो कि तुम अपने अंत को न्योता दे रही हो। हम तो चाहते हैं कि तुम हमें जख्मी करो, हम पे हमला करो, ताकि हमें तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले और हम तुम्हें कानून का मुजरिम बता के तुम्हें जेल में ठूसे और फिर वहां तुम्हारे चिंगारी गैंग का अंतिम संस्कार करें। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 100 हमारे देश का कानून भी मानता है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए किए गए किसी भी जान माल के नुकसान को संवैधानिक रूप से अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। और सेल्फ डिफेंस किसे कहते हैं ये तुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। तेरी मौत भी सेल्फ डिफेंस में हुई दुर्घटना साबित की जाएगी। कोई भी अदालत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे रास्ते से हट जाओ। यहाँ आने से पहले तुम्हें ये लकीर पार करनी होगी जो हम तुम्हें करने नहीं देंगे। तो केस कुछ ऐसा बनेगा कि एसआई करिश्मा सिंह ने बिना किसी लीगल बेस के, बिना किसी वारंट के खतरनाक तरीके से संगठन के प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंट्री की, जो कि तूने किया। और फिर तूने मुझ पर, शिवानी ताई पर, इस चिंगारी संगठन की मुखिया पर हमला किया। शिवानी, ये क्या क्या बेटा, कितना खून बह रहा है बेटा। शिवानी, और फिर उसके बाद हमारे बीच में हाथापाई हुई होगी। इधर आ, मार मुझे, मार मुझे और मार। अगर करिश्मा सिंह ने शिवानी ताई पर हाथ उठाया तो शिवानी ताई भी तो अपने डिफेंस में करिश्मा सिंह को मारेगी ना। तो बताओ शिवानी को किसने मारने की कोशिश की? करिश्मा सिंह ने। तो ये रहा पीड़ित, ये रहा गुनाह, ये रहा गुनहगार और ये रहे गवाह। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता भौकाल देवी। हम आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, हमारे रास्ते से हट जाओ। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। ये क्या है? अरे इतनी बेरहमी से तो कोई किसी का पुराना कपड़ा तक नहीं चीरता जितनी बेरहमी से तूने मेरा भरोसा चीरा है। तुझे एक बहन से भी बढ़कर माना था मैंने। दूसरी बार शिवानी ने किसी पर इतना भरोसा किया और तूने आज मेरा ही भरोसा तोड़ दिया। ये फिर से तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। नहीं तो इस बात को समझने में कोई पंडित का जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमने जो कुछ भी किया है ना वो अपनी वर्दी के लिए किया है। तुम्हें धोखा नहीं दिया है, हमने अपनी वर्दी के साथ इंसाफ किया है, अपना ड्यूटी निभाया, अपना फर्ज पूरा किया। समझी तुम? शुक्र मनाओ कि हसीना मैडम ने हमको रोक के रखा था, वरना हम तुम्हारी इस पाप की लंका में कब तक घुस गए होते और तुम्हारी पूरी चिंगारी गैंग को ना राख कर दिया होता हमने। अफसोस, तेरा ये सपना भी तेरे साथ ही जाएगा। नहीं शिवानी, मैं तुम्हें किसी की जान नहीं लेने दूंगी। हम इतने बेरहम नहीं हो सकते। बेरहम कौन है ताई? ये हथियार या इस हथियार को उठाने पर मजबूर करने वाला इंसान या हालात, धोखा या विश्वास। हट जा मेरे रास्ते से ताई, मुझे इसे मारना है। अब तो वो शिवानी नहीं रही जिसके साथ मिलके मैंने चिंगारी की बुनियाद रखी थी। वो शिवानी जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे सकती थी। मैडम सर कहाँ हैं आप? यही सही मौका है चिंगारी गैंग को खत्म करने का। नहीं शिवानी, मैं तुम्हें किसी की जान नहीं लेने दूंगी। हट जा ताई। नहीं हटूंगी, ये गुनाह अजीम तेरे हाथ तो नहीं होने दूंगी मैं। मैंने कहा हट जा ताई। अब तो वो शिवानी नहीं रही जिसके साथ मिलके मैंने चिंगारी की बुनियाद रखी थी। वो शिवानी जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे सकती थी, ना कि अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान ले सकती। जान लेना और देना सब परवरदिगार के हाथ में, और हम उसके काम में दखल अंदाजी करने का हमें कोई इख्तियार नहीं है। अब ये वो चिंगारी संगठन नहीं रहा शिवानी, इसलिए हम भी इसका हिस्सा नहीं है। बंदूक नीचे, नहीं तो मैं इसको मार दूंगी। ओके ओके, रिलैक्स। कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी से। ताई मैं देखो हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। उठ जा प्लीज। बच्ची नहीं, उसकी जरूरत नहीं, अपना वक्त हो गया है। ऐसे मत बोलता है। मौत ही सबसे बड़ा सच है शिवानी, उससे क्या भागना। एक नहीं दिन तो सबको आनी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ताई, प्लीज उठ जा। गलती तो पहले से हो गई थी, पहले से हम गलत रास्ते पे निकल पड़े थे शिवानी। और गलत रास्ते की मंजिल सही कैसे हो सकती। कोशिश की थी तुझे आगाह करने की, समझाने की, हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं बच्चा, वापस लौटना चाहिए, लेकिन नहीं समझा सकी। शायद मेरी मौत ही तुझे बात समझा सके। ताई नहीं नहीं नहीं, ताई ताई आगे खोल, ताई आगे खोल, खोल, कुछ नहीं होगा तुझे, ताई आगे खोल। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, डॉक्टर को कॉल करो जल्दी प्लीज। अल्लाह नहीं, ताई ताई नहीं प्लीज, ताई प्लीज नहीं नहीं। शिवानी, हम भी तुम्हें इतने दिनों से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इरादा नेक होना ही काफी नहीं है, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी सही होना चाहिए। और जिस दिन ये बात समझ आ जाए ना, उस दिन इंसान को सही रास्ता चुन लेना चाहिए, भले ही वो कितना मुश्किल क्यों ना हो। थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, लेकिन यू टर्न लेने का ऑप्शन हम सब के पास हमेशा होता है। लगता है ये भी रास्ता गलत ही ले लिया हमने। कोई बात नहीं, अब भी वक्त है, यू टर्न ले सकते हैं। हर रास्ते पे वापस लौट जाने का एक आसान मोड जरूर होता है, बस हम ही उसे देख नहीं पाते। अक्लमंदी गलत रास्ते पे भटकने में नहीं है, ठीक वक्त पे वापस लौट जाने में है शिवानी। तूने सही कहा था जज्बातों वाली भाई, मेरा रास्ता ही गलत था, लेकिन अब मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अब मैं वही करूंगी जो सही। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करती हूँ। अपने पूरे कन्फेशन के साथ मैंने जो भी गलती की, मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक वादा कर मुझसे कि तू चिंगारी संगठन में किसी भी मेंबर को कुछ नहीं करेगी। चिंगारी संगठन ने जो भी इल्लीगल काम किए हैं, उन सब की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ठीक है। कुछ नहीं करेगा। मैंने अपनी मर्जी से खुद को पुलिस के हवाले किया है, कोई बीच में नहीं आएगा। डीजे बजा बजा गाना बजा। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है सब। वैसे क्या जरूरत है इतना सारा ताम झाम करने की? अरे तो पुष्पा जी आपके लिए थोड़ी किया है। ताली ताली। पता है हमें माँ, जरूरत थी क्योंकि चिंगारी गैंग खत्म हो चुकी है। शिवानी ताई कहेगी शिवानी, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। किसके वजह से? हमारे थाने के वजह से, मैडम सर की वजह से, करिश्मा मैडम की वजह से, हमारी वजह से भी। हाँ, हमारी माँ की वजह से भी। तू कैसे बोलता है? समझ गए ना, तो ये सब हमारे लिए भी है। हाँ, अरे सारा शहर हमारी तारीफ कर रहा है, मतलब हमारे थाने की तारीफ कर रहा है, सब खुशी से झूम रहे हैं। तो हम भी ये खुशी दिल खोलकर क्यों नहीं मनाएंगे माँ? मनाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। और क्या? तुमको नहीं लगता तुम्हारा खुशी ओवरफ्लो हो जाता है कभी कभी? मन में रखो ना खुशी, मन में रख के मन में ही खुश हो, समझे? आई एम नॉट सेल्फिश माँ, ये मैं सब चीते के लिए कर रहा हूँ, निठल्ले के लिए कर रहा हूँ। बिन्नी की वजह से उसका मूड ऑफ है ना माँ, तो ये सब देख के उसका मूड ऑन हो जाएगा, इसलिए तामझाम किया माँ। अरे दम पिसाचो के आखिरी अवतार, इसको पैसा देकर स्टाइल मारने के लिए बुलाया है क्या? और तुम बाबू चश्मा लगाकर क्या कर रहे हो? अरे कोई बजाओ यार, तड़कता भड़कता गाना बढ़िया सा बजाओ, नाचा जाए। बढ़िया सा गाना। चीते 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 चीते, तुम ठीक हो ना? हाँ मैडम, हम बिल्कुल ठीक है, हमको क्या हुआ? नहीं, दुख जो है ना वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जीवन का, सबको होता है, इसको दबाना नहीं चाहिए। नहीं मतलब अगर दुख ज्यादा दबा लो ना तो कुंठा बन जाता है, इसलिए खुशी होने का दिखावा मत करो, दुखी हो तो दुखी दिखाओ। नहीं मैडम, आप क्या बोल रही हैं, हम बहुत ज्यादा खुश है मैडम। अब सोचिए ना, हमारे लिए इससे ज्यादा बड़ा खुशी का बात क्या होगा कि चिंगारी गैंग पकड़ा गया। हाँ, बिन्नी के प्रसंग को लेकर थोड़ा सा उदास थे, लेकिन अब कोई उदासी नहीं है, हमारे मन पर जो बोझ था एकदम हट गया। कैसे मतलब? पुष्पा जी, आपको पता है किसका फोन आया था? हमको बिन्नी का फोन आया था। क्या? उसका परिवार वाला लोग ना उसको अपना लिया है। अच्छा, वो खुद ना इस सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक अच्छा जिंदगी शुरू करना चाहती थी, भगवान उसको मौका दे दिया, शुरू कर रही है, एकदम खुश है। हमको तो ये भी बोली कि जो कुछ भी उसके जिंदगी में हुआ है ना उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ओह भाई, हमारे दिल से बोझ उठ गया है मैडम, हम बहुत ज्यादा खुश है, एकदम सेलिब्रेशन के मोड में है, इसीलिए कह रहे थे बजाओ ना यार। और निठल्ले, ये की ना तूने चीते वाली। बजाओ। अरे और नीचे वाले बाबू, हमारा गाना तो बजा दो। एक मिनट, शायद खूटे से उखड़े बैल की तरफ फैली जा रही है आप। रुकिए, कोई डीजे नहीं बजेगा अभी, रुक जाइए, बंद करो। जब तक मैडम सर नहीं आ जाती है यहाँ कोई डीजे वीजे नहीं बजेगा, समझ गए साहब? नहीं, हमारी बात सुनिए ना। अरे डीएसपी सर ने बुलाया मैडम सर को, वहाँ उन्हें कितना समय लगेगा क्या पता, उनका नाम लेकर शुरू करते हैं ना यहाँ पे। नहीं, कोई डीजे नहीं बजेगा। करिश्मा मैडम डीजे बजाने दीजिए प्लीज, 1 घंटे के लिए किराए पे बुलाया है, 7.5 मिनट वेस्ट हो गए हैं, प्लीज बजाने दीजिए ना प्लीज। आने दो मैडम सर को, उसके बाद ही डीजे वीजे होगा, नहीं बजाओगे तुम, समझ गए? मैडम सर अभी तक आए का ही नहीं है, कितना टाइम हो गया, और ऐसा कौन सा काम आ गया डीएसपी सर को जैसे खड़े पैर बुला लिया मैडम सर को? कहीं कोई और बवाल तो नहीं खड़े होने वाला हम सबकी जान को। भाई, हमने तो पहले से ही कहा था कि चिंगारी गैंग को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो हसीना मलिक जी और उनकी टीम ही कर सकते हैं। हाँ, किससे कहा था सर? वो हमने खुद से ही कहा था, आईने के सामने बैठकर। वो तो छोड़िए, हम पब्लिक और प्रेस के सामने कुछ भी कहें, लेकिन दिल से ये मानते हैं कि आप जैसी प्रतिभावान, आप जैसी काबिल और आप जैसे कर्मठ ऑफिसर हमारे पूरे डिपार्टमेंट में नहीं है भाई। मुद्दे पर सर आइए, तारीफ ही करनी थी तो फोन पर कर लेते, मैसेज कर लेते, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? वहाँ थाने में सब हमारा वेट कर रहे हैं और हम यहाँ। और तो और, बेस्ट ऑफिसर ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए आपका नाम प्रस्तावित करेंगे। शुक्रिया सर। मुद्दा एक सेकेंड, सॉरी। थैंक गॉड, थैंक गॉड करिश्मा सिंह हमें फोन करती हैं। हेलो, जय हिंद करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर कहाँ है आप? मतलब यहाँ पे सब तैयारी करके बैठे हैं, डीजे लग गया है, फूल फुलवाड़ी सब लग गया है। आप आएंगे तो इनका जो है वो थोड़ा उत्साह जो है वो कम हो जाए। हाँ हाँ मैडम सर आइए ना। क्या बहुत अर्जेंट मैटर है, हमें अभी आना होगा? करिश्मा सिंह हम डीएसपी सर के साथ हैं, उनके केबिन में। नहीं नहीं आप कह रही हैं अर्जेंट है तो डेफिनेटली है, हमारे हम अभी निकल रहे हैं। जी जी आप कार्यवाही शुरू कीजिए, हम बस आ ही रहे हैं। जी जी मैडम सर जी, ओके। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। अरे हमें भी तो बात करनी थी ना। ठीक है मैडम सर निकल गई है, डीएसपी सर के ऑफिस से 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जितना नाचना हो नाच लेना, जितना गदर मचाना हो मचा लेना। अरे एक मिनट, बाद में क्यों यहाँ है या बाद में क्यों? हाँ हमने अपनी कानों से सुना है, मैडम सर ने क्या कहा कि तुम लोग शुरू करो हम आ रहे हैं। अच्छा शुरू करो मतलब शुरू करो। माफ कीजिएगा सर हमें निकलना होगा। हाँ सर थोड़ा अर्जेंट मैटर है, थाने में सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। अरे रुकिए तो सही। जी सर। अरे भाई हमने वो बात तो अभी तक की नहीं जिसके लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया था। तो कहिए सर। अरे मनोहर दरवाजा बंद करिए और आप चाय वाय पीजिए, जाइए कहीं पर। बहुत जरूरी बात आपसे करनी है। क्या हुआ सर, ऐसी क्या बात है? आपसे हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात इस ऑफिस के 4 दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और गोपनीय बात है। सर ये क्या कह रहे हैं आप सर? ये नहीं हो सकता सर, ये नामुमकिन है। और हम कैसे कर सकते हैं ये काम? आप ही कर सकती हैं हसीना मलिक जी, आपने सिद्ध करके दिखाया है, यह आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और ये हमारा ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर ऊपर से आया है, इसे तो हमें फॉलो करना ही होगा। और एक जरूरी बात, ये बात इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी गोपनीय है कि बात अपनी टीम से बिल्कुल छिपा के रखनी होगी। आशा करता हूं कि इस बात की गंभीरता को आप बहुत अच्छी तरह से समझ रही होंगी। सर आप, ये ऊपर से ऑर्डर है। ठीक है सर। जय जय। ये बात इतनी गोपनीय है, अपनी टीम से बिल्कुल छिपा के रखनी होगी। या अल्लाह, और किसी भी सिचुएशन में डाल देते हम डील कर लेते, अब तो आदत हो गई है। पर ये नहीं हमसे होगा, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं होगा हमसे। निकालिए हमें इस आजमाइश से प्लीज, हम नहीं कर पाएंगे ये। नाचिए ना, क्या भरी हुई बंदूक बन के खड़ी। नहीं नाचना है, नहीं नाचना है, नहीं नाचना। जब तक मैडम सर नहीं आ जाएंगी हम नहीं नाचेंगे, बात खत्म। लीजिए हम आ गए। थैंक यू थैंक यू। ये लो लो प्लीज, थैंक यू। चलिए चलिए अब तो अपना वादा पूरा कीजिए, डांस कीजिए मैडम से। चलिए ना, कीजिए ना। बवाल हो गया, माला माल हो गया। पुष्पा जी कितना खुशी का माहौल है, हर तरफ से खुशखबरी आ रहा है। पुष्पा जी हाँ, क्या कहाँ से क्या खुशखबरी है? माँ का तबीयत ठीक हो गया और छुटकी का शादी जो है वो फिक्स हो गया। सच में? और क्या बहन, हाँ, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। मैसेज लिख के भेजी है कि पंडित जी पोथी पत्रा देख रहे हैं, शाम तक पूरा डेट और सब कुछ फाइनल हो जाएगा। एक मिनट, अरे कौन दौरा पड़ गया? मुझे बताओ ये छुटकी कौन है? अरे नरपिसा, बताइए, ये हमको अपना दोस्त कहता है। हमारे छोटी बहन के बारे में तुमको पता नहीं है? छुटकी हमारी छोटी बहन, ये किसी का दोस्त बनने के लायक ही नहीं है। बताओ। ए चुप रे पागल बिल्ली। छुटकी? हाँ। मेरी बहन छुटकी। अरे उसको छुटकी, उसकी शादी। और क्या उसकी शादी हो रही है तो वो छुटकी कहाँ से? वो तो बड़की हो गई ना। सही बोला बिल्ली। गांव से मैसेज आया कि माँ का तबीयत ठीक हो गया और छुटकी का शादी जो है वो फिक्स हो गया। सच में? और क्या माँ, ये तो डबल धमाल, डबल बवाल, डबल पार्टी, डबल दारू। माँ डबल डांस ना माँ। ओह मैडम सर, वो आपका उर्मिला महादेव म्हात्रे वाला डांस। हाँ हाँ हाँ, ऐसा गावत वड़ा पावा। हाँ हाँ मैडम सर, हाँ हाँ। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती चटक चांदनी? चला अपने स्टाइल पे डांस फ्लोर पे वाट लगाते। मैडम सर शिव जी, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ एक बार। हाँ, लेकिन आओ जल्दी आओ, देखो। ये कौन है? डॉक्टर और कौन है? तो इनका वो ऐसा आला कहाँ है इसका? पिल्ले उठाकर लाए जितना जल्दी हो सकता था, समझे? अरे हाँ वो ठीक है, डॉक्टर साहब जल्दी चेक कीजिए। हाँ। हमें नहीं मैडम सर को क्या हुआ ना, वो ऐसे फुगड़ी खेल रही थी, हाथ छूट गया तो वो गिर गई है, उनको यहाँ पे लग गया है। कहाँ खून? क्या अरे चोट लगा तो लस्सी थोड़ी निकलेगा, खून ही निकलेगा ना, इसीलिए ना लाए हैं आपको। लाए नहीं है, आप उठा कर लेके आए हैं। हाँ तो जो भी, अभी आप चेक कीजिए, जल्दी चेक कीजिए, देखिए। ओके। आपके पास हथौड़ी है? का नहीं, वो प्लायर है? हाँ? नहीं है। खंजर है? पुलिस थाना है? नहीं है। हम तुम टोपा हो का? डॉक्टर है हम तो इलाज करो ना, ये खंजर फंजर काय मांग रहे हो तुम? अरे हमारा सूटकेस लॉक के नहीं, कुछ चाहिए खोलने को लिए, हम कोशिश कर रहे हैं। खोलो, बैग खोलो। हाँ। इधर लाओ जल्दी बिल्ले, जल्दी पिन दे दो बिल्ले, जल्दी मैडम साहब, जल्दी। खुला कि नहीं? कैसा बैग लेकर आए हो जो है? ये खुला नहीं है। खुल गया, जल्दी मैडम सर को देखिए। इसी में रहता है काजी। दीदी थोड़ा खून साफ कर दीजिए। अरे वो काहे साफ करेगी, आप डॉक्टर हो ना, आप कीजिए। एलर्जी है हमें, थोड़ा खून। ओके ठीक है। ठीक हो गई, बिना छुए ठीक हो गई। फीस निकालो अपनी। हाँ काहे की फीस? आपने कुछ किया ही नहीं, वो तो अपने आप ठीक हो गई। देखिए हम यहाँ पे आए हैं, पेपर वाले नहीं है, डॉक्टर है, ठीक है, विजिटिंग की बीज लेते हैं। अरे ऐसे कैसे? हम यहाँ पे आए भी नहीं है, ये तो हमें उठा कर लेके आई है। कितना बीज दीजिए हमें? कितना? 2,500। अरे विजिटिंग चार्जेस है आपके, ये कि सोने का दांत लगवाने आए थे आप? पकड़ी। अरे क्या 2,500 आप दे रही है? पुष्पा जी अभी ये सिचुएशन में आपके पैसा देख रही है। आपने इनकी बात का जवाब नहीं दिया डॉक्टर। किस बात की फीस? आपको देखा ना, अच्छा, तो आप देखने की फीस लेते हैं? वही तो हमारा काम है, देखने की फीस लेते हैं। अच्छा? हाँ। तो फिर आपने ठीक से देखा? अच्छे से, जमा के, टिका के, करीब से, नजदीक से देखा? हाँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से देखा। और आपने मेरे गालों का डिम्पल देखा? सब बोलते हैं मैं बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, देखे डिम्पल बहुत बढ़िया है। तो फिर ये जो अभी आपने मेरे को देख के 9 सुख लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, समाज सेवा, उसका फीस कौन देगा रे? है क्या मेला लाज वाटने का तुला है? थाने में आके पुलिस वाले को देखता है और उसके पैसे मांगता है तू, वो भी एसएचओ को? एसएचओ, वेरी गुड। ए चिकने, हाय। बाप रे, इसे लॉकअप में डाल। बट मैंने ऐसे नहीं देखा आपको। कितनी खोटा बोलता है। ए टकलिया, अरे सीधा हो रे। ए, ये देखा कि नहीं मेरे को? बोला कि नहीं अभी ये बात? हाँ, अरे बोला क्या? हाँ, बोला 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 बोला। क्या बोला? देखा देखा देखा। ऐसा नहीं देखा। तो कैसे देखा? अरे वैसे देखा। कैसे? जैसे एक डॉक्टर पेशेंट को देखता है। मतलब तू बोल रहा है कि तू मेरा डिम्पल नहीं देखा? नहीं देखा? मेरा डिम्पल अच्छा नहीं है, मैं ब्यूटीफुल नहीं है, ये बोल रहा है? मुँह पे बेइज्जती कर रहा है तू मेरी। ए डाल रही, इसको लॉकअप में डाल, और रात को इसको कंबल देने का नहीं, ठंड में कुड़कुड़ करने दे मेलिया को। ये क्या रे, सीनियर का ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा? करेगा 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 करेगा। बाप रे, एक मिनट ये, अरे चटक चांदनी कैसे है तू? सुन, अभी सीनियर की बात में इंटरवल करने का नहीं, मैं ऑर्डर दिया तो इसको लॉकअप में डालने का। और लगा कड़ा कड़ा जाता है कि मैं हूँ? जा रहे चल ना यार तुम चल। डॉक्टर, क्या था ये? माँ, मुझे आज भी चाहिए। भाग। बड़ा है, देखने का फीस मांगता है। बट मुझे जाने दीजिए, मैं आज के बाद कभी नहीं देखूंगा। ठीक है, चल पैसा वापस कर। हाँ, देख ये। बराबर। अभी तू मेरे को जो इतना घूर के टकर देखा, मेरा डिम्पल देखा, उसका पैसा कौन देगा? हाँ ठीक है, ये लीजिए, ये सब रख लीजिए, बट मुझे जाने दीजिए। रुक रहे, गिनने दे मेरे को। बराबर, चल अभी फटाफट इधर से निकल, एकदम इंस्टेंटली कल्टी होने का, नहीं तो कपड़े बिपड़े डिग्री सब चढ़ के जाएगा। क्या बोलती पब्लिक, देखा ना क्या मस्त शिंडी लगाया अपन ने इसको। अच्छा आयला, अक्खा मुंबई इधर उर्मिला को देखने का टिकट खरीद के आता है, और ये शाना फ्री फंड में देखेगा क्या अपने को? लिया ना डबल। एक मिनट, तुम मैडम सर, आप उर्मिला जैसे काहे बात कर रही हैं आप? तो उर्मिला के जैसा बात नहीं करेगा तो क्या आलिया के जैसा करेगा? अरे उर्मिला है तो उर्मिला के जैसा बात करेगा ना, क्यों मातारी? मैडम सर प्लीज आप। अरे क्या मैडम सर कोई है क्या रे इधर? कोई नहीं है इधर, खाली अपन लोग हैं, तो काहे के लिए मैडम सर का एक्टिंग करने का? एक तो वैसे तुम लोग का हसीन दिलवा का ना बहुत इतना पाका बोरिंग एक्टिंग है ना, पक जाता है। मैं अकेले में थोड़ा मैं डिटॉक्स करेगा, मैं खाली उर्मिला, समझे क्या? अब ये फालतू का बकर बाद में करेंगे, अभी अपना का टाइम हो गया। चलता क्या? हाँ? चल रे हट्टू। माँ मुझे भी चाहिए। जाओ तुम ही चखना हो उसका आज। पैसे दो माँ। कहानी सुनो ना। तो मैं बचपन में छोटा था, बचपन में मेरी साइकिल भी छोटी थी, और साइकिल चलाते चलाते मैं गिर गया, सर पे चोट आ गई, और मैं हीरा बन गया। हीरा गन कुत्ता? हाँ। मोती का बकरा, मोती चाचा का बकरा, उसका नाम हीरा है। मैं खुद को समझने लगा था हीरा आफ्टर चोट, वही। ओह अच्छा। तो दिन भर मोहल्ले में बिट्टू नहीं, आपका बिट्टा है। जैसे मेरा हुआ ना, वैसे ही मैडम सर का हुआ, मतलब मैडम सर गिरी, सर पे चोट आने के बाद वो खुद को उर्मिला महादेव मात्र समझने लगी। That's all, case solved। हाँ, यही हुआ है मैडम सर के साथ। सर पर चोट लगने की वजह से ना उनका दिमाग हिल गया है और वो खुद को उर्मिला महादेव म्हात्रे संतुलन वाली वो समझने लगी है। नहीं 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 नहीं, हमें तो कुछ और लग रहा है। हमें लग रहा है ना भूत प्रेत का साया है। हो गया, सबका बकैती हो गया। तो एक बात सबको समझा दे, मैडम सर का पता नहीं लेकिन आप सबका दिमाग एकदम आउट हो चुका है। मैडम सर है वो, किसका बात कर रहे हो बे? हिम्मत कैसे हो रहा है तुम सबका? नहीं मतलब मैडम सर कुछ भी ऐसे ही नहीं करती है। ऐसे छोटी मोटी चोट लगने से वो इतना बड़ा कुछ कांड नहीं हो जाएगा, ये कुछ और बात है। मैडम सर पक्का कोई सॉन्ग रच रही है ये उर्मिला बनकर। नहीं लेकिन मैडम, इससे मैडम सर का क्या फायदा, इससे क्या लाभ क्या है? वही चीते, वही हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मंशा है उनका इन सबके पीछे, काहे रच रही हैं वो ये सब स्वांग। नहीं 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 नहीं, हम तो अभी भी कह रहे हैं वो सर पर चोट लगने की वजह से ही ये सब हुआ है। थोड़ा आराम करेंगी ना वो ठीक हो जाएगी अपने आप। हाँ। नहीं ठीक होगी माँ, कैसे ठीक होगी? ठीक होगी उसी तरह जहाँ पर उनको चोट लगी है ना वहाँ पर वापस चोट देते हैं, तब उनकी याददाश्त वापस आएगी। ऐसा मैंने अनुभव किया है। हाँ तो फिर ऐसा करते हैं ना, अंदर फर्श पर तेल गिरा देते हैं, मैडम सर आएंगी ऐसे और फिर गिर जाएंगी लगे, है ना, फिर याददाश्त वापस। क्या रे मंडली नाटक, क्या बोलती पब्लिक? क्या पिचकर चला कर इधर मेरे बारे में गुफ्तगू करते क्या? ये तुम लोग के मंडली कम लग रही है। वो सफेदी की जमकार किधर गई? ट्रांसफर हो गया है उनका, वो चली गई दूसरा थाना में। अल्लाह, एक नंबर। इसका मतलब तो अब खाली मेरा, अब तेरे पे खाली मेरा हक। चला पिचकर देख के आते हैं। 9 से 12 एक कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉ डाल के पियेंगे। चल रे। देख रही मैडम, देख रही मैडम, देख रही कैसे। हट चला। सटक चांदनी मातारी आइटम, कैसे तुम लोग? ए नीले कमड़े, चल जा मेरे लिए मस्त गर्मा गर्म मक्खन मार के वड़ा पाव। वड़ा पाव नहीं, खाली चाय लेके आ, मैं डाइट पे है। जाओ जाओ जाओ। क्या बोलती, कैसे तुम लोग? ये लीजिए। ला रे जल्दी। हाँ। चाय के नाम पे क्या जहर देता है मेरे को? मारेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, चल दबाओ यहाँ से। हाँ। चल जा मेरे लिए मस्त एक खंबा लेकर आ। जा। खंबा इतना सस्ता पी गया। ये क्या रे, कस्टमर भगवान होता है ना, मालूम नहीं क्या तेरे को? खत्म हो गया तो बाहर से लेके आना। कहाँ से हम लेके आया? एक्सक्यूज मी, मेरे पास है। ए टकलिया, मेरे को मालूम था एक बेवड़ा ही दूसरे बेवड़े के काम आता है। तो ही अपना जिगरी जा लेके आ। ए क्या रे, इन लोग के आँख से क्या डरता है तू? मैं ऑर्डर दिया ना, मैं सीनियर है इधर का, एसएचओ। वेरी गुड, मैं बोल रहा है ना अंग्रेजी लेके आ, मतलब लेके आ। माँ एसएचओ बोला ना, सो लेके आना पड़ेगा। और नीला कमड़ा, अब तेरा क्या होगा रे? हम तो आपकी जनता है मैडम सर। हो गया। ये रुक रुक जरा, रुक रहा है ना तो नहीं हुआ ठीक से कर। अरे मारेंगे बाबूजी का बिया। ए रुक रुक रुक, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। रुक ना रे, रुक रुक, पिलाती है ना मैं तेरे को, रुक तो। बस उतना ही मिलेगा। इसीलिए भाग कर गए थे दारू लाने। अंग्रेजी अंग्रेजी होती रे, कुछ भी बोल। सही बात। हाँ भाई, क्या देख रहे ले तुम लोग मेरे को? मैडम सर आप ये सब क्या कर रही हैं? कोई बात है तो हमें बता दीजिए, लेकिन ये सब आप मत कीजिए। अरे क्या मैडम सर? कौन मैडम सर? आप मैडम सर। अरे मैं उर्मिला है, कितनी बार तेरे को एक ही बात बोलने का रे चटक चांदनी। इतना पीती है मैं और तू एक बात बोल के सारी उतार देती है। अभी देख मेरे को डबल पीनी पड़ेगी। लेकिन मैडम सर। मैं मैडम सर नहीं है। ए मैं कौन है? उर्मिला महादेव म्हात्रे। एक नंबर एक नंबर। अभी तुम्हारी पसीना मलिक गई, खत्म खल्लास, पहुंच गई वो ऊपर। अभी खाली मैं है इधर। उर्मिला आई है तुम लोग का उद्धार करने। क्या बात कर रही, इन सबका उधार देने आई है? उधार देने रे बेड़िया। मुर्गा बन बन मुर्गा। तो अभी हसीना आउट उर्मिला इन। बना बना। मैडम सर मत कीजिए, सब बता दीजिए हमें सच का। क्या मैडम सर मैडम सर? दिमाग का भजिया पाव बना के रखा है, शांति से पीने भी नहीं देते मेरे को तुम लोग। कंपनी देने के लिए आऊं मैं। या एक ही बात रिकॉर्ड की तरह चिपकाई चिपकाई, हसीन हसीना हसीना का पसीना। अरे देवी कशाला चिपकून चिपकून फिरते मला। गेट आउट। हमें बात करना है। पर हमें तुमसे बात नहीं करना है। गेट आउट। जा नहीं तो मैं जाती है। हमने कहा ना हमें बात करना है तो बात करना है, चुपचाप खड़ी रहो। ठीक है, अब हमें कोई नहीं सुन रहा है। अब बताइए। क्या बताओ? यही सब। क्या सब? यही कि आप मैडम सर हैं, आप उर्मिला नहीं हैं। आप जो ये उर्मिला का जो ये ड्रामा जो ये नाटक कर रही हैं, ये कोई मिशन है जिसके लिए आप कर रही हैं, या फिर कोई अपराधी है जिसको पकड़ना है, आपने ऐसा कुछ प्लान बनाया है, ऐसा कुछ होगा। मतलब ये जो भी है, आप हमें तो कॉन्फिडेंस में लीजिए, हमें तो सच बताइए, हमसे काहे छुपा रही हैं आप? अरे चटक साहब ने काहे बोलते रहे, इतना प्लानिंग में काहे के लिए करेगी? मैं उर्मिला महादेव म्हात्रे ही है। अभी क्या तुम्हारे ये छत से उल्टा लटक के बोलूं तो मानेगी तू? मैं उर्मिला महादेव म्हात्रे है, दामोदरवाड़ी फ्लैट नंबर 48, विठ्ठल वड़ा पाव सेंटर, आमची कोठे ही शाखा नाई। तो तुम उर्मिला हो? 100% उर्मिला है मैं। तू चाहे तो मेरा ब्लड टेस्ट करके देख ले, डी पॉजिटिव निकलेगा। डी पॉजिटिव? डी बोले तो दारू रे, अपने खून में दारू है ना। ये सुन कोई नहीं, इधर गटक गटक मजाएगा। अंग्रेजी है ठीक है। आप मैडम सर नहीं हैं, आप उर्मिला जी हैं, ये बात हम मान लेंगे। ऐसा अगर आप हमारे सर पे हाथ रख के ये बात बोल देंगी तो कहिए। क्या रे चटक चांदनी, क्या एक नंबर फिल्मी है रे तू। अच्छा सुन, अभी बात ऐसा है कि मैंने डिसाइड किया है लाइफ में कि अभी मेरे को बनने का है हॉट एंड सेक्सी, इसलिए मैं डाइट पर है, तो कसम बिसम तो मैं खाने नहीं वाली। मैं तो ये दारू भी नीट पी रही है बिना किसी कोल्ड ड्रिंक के, इसलिए फालतू कसम बिसम का लफड़ा भी करने का नहीं है मेरे साथ। मैं उर्मिला महादेव म्हात्रे है, मानना है तो मान, नहीं तो मैं भिवंडी तू जापान। अब जो कहोगी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम समझ गए कि आप ही हसीना मैडम है। काहे कि आपने हमारे सर पे हाथ रख के कसम नहीं खाया ना, खाया होता तो शायद विश्वास कर लेते। कोई बात नहीं, अब सब चीजें साफ है, तो आपको जो प्रपंच करना है कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मैं तेरे सर का कसम खा के कहती है कि तेरी हसीन दिलरुबा मर चुकी है बेबी डॉल। मैं उर्मिला महादेव म्हात्रे है, तुम लोग ही मेरे को मुंबई से लेकर आए हसीन दिलरुबा का एक्टिंग करने के लिए। मैं नहीं है हसीन दिलरुबा, मैं उर्मिला है, खाली कसम। अभी समझ में आ गया? जा रही है मैं बाहर हवा खाने, मेरे को गर्मी हो रही है। मैडम सर को सच में कुछ हो गया है क्या? नहीं नहीं, अगर उन्हें कुछ होता तो हमें जरूर आभास हो जाता। मैडम सर उर्मिला बनी हुई हैं, पर काहे करना पड़ रहा है उनको ये सब नाटक फिर से? हमें दिल से अफसोस है करिश्मा सिंह कि हमें आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, आपकी झूठी कसम खानी पड़ी। हम ही हैं आपके मैडम सर, पर इस वक्त चाहकर भी आपको ये सच नहीं बता सकते कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। हम मजबूर हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। आज हम तुम्हें अपने बाहुपाश में लेके रहेंगे। आज तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है सुंदरी गजगामिनी मंदाकिनी। एक मिनट ये सिखाना और देखो और सीखो। क्या जाओ, तुम भी जाओ, जाके सीखो। पकड़ो स्क्रिप्ट दीजिए, हम मिलाते हैं। हम गुंडे नहीं मुस्तंडे हैं। आज तुम्हें हम बाहुपाश में लेके रहेंगे सुंदरी गजगामिनी यामिनी कामिनी मंदाकिनी। आज तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। आज संडे है, रोज खाने हमें अंडे हैं। क्या अंडे पंडे खंडे नहीं बनना हमको चूरनगिरी का हिस्सा कुछ भी। अरे सुनिए, आपको ये सब करना पड़ेगा। कीजिए। देखिए, पिछली बार भी मैडम सर ने जब आपको पीटते हुए देखा तभी उनकी याददाश्त वापस आई थी ना। पीटते हुए देखा था मैडम सर ने हमें, लेकिन असली गुंडों से। असली हिस्ट्री शीटर गुंडे, इनको ये गुंडे आपके, ये गुंडे। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे पिछली दिवाली के जले हुए चक्री बम है ये। और आपको ऊपर से जो आपने अभी ने इनको सिखाया, वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे वो देख के ना गुंडे एक ही बात बोलेंगे कि अभी नहीं, अभी बस करो। अरे हम तो सिखा रहे हैं अच्छे से, वो सीख नहीं पा रहे तो हम क्या करें? आपको लगता है बचकान फुसलावे में आएगी? ये गुंडे है। चलो घर। अब तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। चल हो गए हम। हाँ। और ये फिलहाल मैडम सर नहीं है, उर्मिला है। उर्मिला कितनी बार कहे, उर्मिला का भूत उतारने के लिए ये सब करना पड़ेगा आपको। हमारे लल्ला की कसम। कहाँ है मैडम सर, कहाँ है? अरे वो तो हमारे नाटक का अहम हिस्सा है। चीता गया है उनको लाने। एक तो आपका नाटक, ऊपर से अहम, वो बहुत बढ़िया। बताओ क्या करना है, करो। क्या है? दे दो, ये दे दो। हाँ। लाइन याद है ना? हाँ। हाँ। क्या कर दी तुम? बहुत इंपॉर्टेंट मर्डर केस का कागज है ऐसा क्या? हाँ। है नहीं रे। हाँ। फांसी कंफर्म उसका। बोल रहे, क्या काम तेरे को भी? अब मेरा दीजिए इस पे साइन करना था। अरे डार्लिंग, तू प्यार से बोलेगा तो मैं जायदाद पे साइन करेंगा। ये हमने क्या कर दिया? हसीना मलिक की तरह साइन कर दिया। कहीं चीता हमारा झूठ ना पकड़ ले। बोल रहे, क्या काम तेरे को भी? अब मेरा दीजिए इस पे साइन करना था। अरे डार्लिंग, तू प्यार से बोलेगा तो मैं जायदाद पे साइन करेंगा। ये हमने क्या कर दिया? हसीना के सिग्नेचर से कहीं चीता को हम पर शक ना हो जाए। वाह, कैसे रे? एक नंबर। ये देख रहे, हसीन दुलरुबा का एकदम डिट्टो साइन किया रे। कमाल के टैलेंटेड है मैं। ये सुन, ये काम करते हैं अपन ना, हसीन दिलरुबा के अकाउंट को ये साइन मार के साफ करते हैं और जितना पैसा मिलता है उससे जाते अपना हनीमून मनाने। पर मेरे को लगता नहीं है कि हसीन दिलरुबा के अकाउंट में कुछ मिलेगा। झाड़ू ही मिलेगा। इतना ईमानदारी का झंडा लेके घूमती थी ना। छोड़ जाओ है कि तू तो पेपर, तेरी बहन का शादी है ना, जा जा मजे करके आ। मेरे साथ चलोगी? तू मेरे को तेरे गांव लेके जाएगा, अपने घर वालों से मिलाएगा, मेरे को बाइक को बनाएगा? नहीं नहीं, ऐसा इसलिए गांव थोड़ी लेकर जाना है। तो है कुछ काम है, इसीलिए बोल रहे हैं कि एक जगह लेकर जाना चाहते तुमको। ऐसा बोलना, डेट पे लेके जाने का है। चलती है ना मैं। एक्सपायरी डेट आ गया है मेरा, जो तुमको डेट पर लेकर जाएंगे। नहीं डेट नहीं, रोमांटिक पिचकर। पिचकर ना तो क्या कॉफी? कल ही छोड़ दिए, कुछ पर्सनल काम है इसीलिए कह रहे हैं कि चलो ना हमारे। ए सुन, बस हो गया अभी तेरा दिमाग का भाजी पाव करने का। नहीं, तेरे पास दो ही ऑप्शन है। अगर तेरे को मेरा मदद चाहिए तो या तो मेरा मांग भर या तो मेरा जेब भर। तो पहले बोलती ना कि जेब भरने का भी ऑप्शन है तुम्हारे पास, कह देती पहले तुम हमको। लो भर दिए जेब, लो। अभी बोल क्या काम? चलो हमारा कुछ काम है पर्सनल, चलो हमारे साथ। हाँ चल। बाप रे ये भी मरा, चलो चलो। चित्ती का मैसेज आया, चित्ती का मैसेज आया। मैडम सर को लेकर आता ही होगा, पहुंचते ही होंगे वो दोनों। चलो चलो चलो, ठीक से रिहर्सल शुरू करो। अब जहाँ पे रुके थे ना वहाँ से आगे बढ़ो। चलो कहाँ रुके थे? डिशुम पे रुके थे। माँ बोला। हाँ डिशुम। एक्शन शुरू। डिशुम लगाना हमको सच में तो बता रहे, फिर देख लेना। और तुम भी हाथ देखेंगे क्या? हमारी आंखें फोड़ देगी, आप देखने लायक छोड़ेंगे हमें, याद रखना। बिल्ली मारो, एक मारो, सच में मारो, मजा आएगा। मरता हूँ। एक्शन। मैडम चल आगे, चलो डंडे से मारो, डंडे से मारो, मास्क पहनो। और हाँ डायलॉग मत भूलना, अगर भूलोगे भी तो पीछे से हम प्रॉम्प्टिंग कर देंगे। हाँ। ठीक है चलो एक्शन। बोल देंगे पीछे से। चल मार भाई मार। एक्शन। अरे क्या चल रहा है? सरकारी गाड़ी है, कार्बन वगैरह लग गया होगा, देखते हैं तार में। ए मेरे को एक बात बता, तू क्या खाली पीली मेरे को इधर सैर कराने के लिए लाया कि सच में कुछ काम है, तेरे को मदद चाहिए? क्या हो क्या रहा है? गांव जा रहे हैं, छोटी बहन का शादी है तो लड़की लोग का कपड़ा कभी खरीदे नहीं है, तो सोचे कि छोटी बहन के लिए शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे, तो आप हमारा उसमें मदद कर दीजिएगा, बार्गेनिंग वगैरह भी कर दीजिएगा। और कपड़ा खरीदने जा रहे थे इसीलिए आपको लेकर। आपका कपड़ा में पसंद बहुत अच्छा है ना जी। नसीब नोटिस तो किया तू, उर्मिला का फैशन सेंस देखने के लिए अक्खा मुंबई आता है। चल चल चेक कर फटाफट। हाँ करिश्मा मैडम को पीट रहे हैं लोग। किधर? उधर 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 उधर। करिश्मा सिंह पर हाथ उठाने की सोच भी कैसे सकता है कोई? पुष्पा जी यहाँ? ये तो इकबाल और बिल्लू है, यहाँ जरूर नाटक चल रहा है हमें टेस्ट करने का। बचाओ! ए सुन, ये जो तुम्हारी मैडम है ना, फालतू में सबको भौकाल दिखाती फिरती है, कोई ना कोई तो पकड़ के पीटेगा ही ना। बाप रे बाप, कितनी ज्यादा पत्थर दिल इंसान है आप। उधर अपनी करिश्मा मैडम पिटा रही है, मदद का पुकार कर रही है, चीख रही है, बुला रही है हम लोग को, और आप है कि आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा? फील हो रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है मेरे को, एक नंबर। क्या पकड़ पकड़ के धो रहे हैं इसको, हथेली को। ये तेरी हथेली ना मेरे दिमाग का बहुत भाजी पाव करती है, जब देखो तब चपड़ 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 कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। मेरा बदला ये लोग निकाल रहे हैं, एक नंबर। ए सुन सुन, एक काम कर तू ना, ये ले गुंडे लोग को मेरी तरफ से 100 रुपए दे क्या, और उनको बोल मेरी तरफ से 2 कान के नीचे बजा के दे उसको, तब तक मैं चाय पी के आती है। चाय पी के आती है। उर्मिला जरा मैडम पीट रही है। रुको 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 रुको, चीते क्या हुआ? मतलब हमारा प्लान फ्लॉप हो गया? हाँ तो होना ही था, आपका प्लान जो था। मैडम सर का याददाश्त वापस लाने के लिए कोई और जुगाड़ सोचना होगा। वक्त आ गया है वो करने का जिसे करने के लिए हम उर्मिला बने थे। हसीना मलिक का नाम खराब करना है, हसीना मलिक की इमेज बुरी से बुरी, बदतर से बदतर बनानी है। अरे ऐसे तो हसीना मैडम, आप लाइसेंस तो दिखा दूंगा मैडम, पर बात क्या है, हमने कोई ट्रैफिक रूल भी नहीं तोड़ा और आपने यहाँ पे हमें रोक दिया। कोई ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं है। लाइसेंस हुआ क्या है मैडम? सिग्नल तोड़ा है तुमने, जुर्माना लगेगा 5000। निकालो अभी के अभी। सिग्नल तोड़ा है? नहीं मैडम, हम तो सीधे सीधे आ रहे थे, हमने कोई सिग्नल नहीं तोड़ा। पुलिस ने कहा ना सिग्नल तोड़ा मतलब सिग्नल तोड़ा। लेकिन ये तो सरासर गलत है ना। कितना नाम सुना था मैंने आपका, लेकिन आप भी वैसी ही निकली। कैसी? नहीं नहीं शर्मा मत, बोलो बोलो। खराब, घूसखोर, रिश्वत लेने वाली एक खराब पुलिस ऑफिसर निकले हम। हाँ अरे तो टेंशन क्यों ले रहे हो, आप लोगों के पास मोबाइल फोन है, निकालिए वीडियो बनाइए, हमारा इंटरनेट पर डाल दीजिए, कंप्लेन कीजिए हमारे खिलाफ, एक्सपोज कीजिए हमें, पूरी दुनिया को बताइए कि हसीना मलिक कितनी बेईमान पुलिस ऑफिसर है। हाँ करूंगी, आप जैसी रिश्वतखोर पुलिस वाली को तो एक्सपोज होना ही चाहिए। अरे ज्योति ज्योति क्या कर रही हो, अंदर को ऐसे। हसीना मलिक है ये, पूरा शहर जानता है कि इनकी जैसी डेडिकेटेड ऑफिसर पूरे डिपार्टमेंट में नहीं है। ये तो मिसाल है पुलिस फोर्स के लिए। और तुम्हें लगता है जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कर रही है, कोई बेईमान करप्ट ऑफिसर ऐसे बात कर सकता है? जरूर हमसे कोई गलती हुई ज्योति। मुझे लगता है कि आज तक मैंने जितने भी सिग्नल तोड़े हैं उन सब का जुर्माना 5000 होता होगा, इसलिए मांग रही है। आप सही कह रहे हैं, मैं भी वही सोच रही थी कि हसीना मलिक कैसे गलत हो सकती है। ये लीजिए 5000 मैडम, और ना ही हमें इसकी रिसिप्ट चाहिए और ना ही कोई डिटेल। हमें आप पे पूरा यकीन है, आप जैसे ऑफिसर सड़क पे हमारी हिफाजत के लिए खड़ी हैं। चलते हैं मैडम। कितना भरोसा, कितना यकीन है इन सबको हसीना मलिक पर। कैसे होगा हसीना मलिक का नाम खराब? कैसे हसीना मलिक को एक नाकारा, रिश्वतखोर, करप्ट पुलिस ऑफिसर साबित कर पाएंगे हम? कैसे? वरना क्या फायदा हुआ उर्मिला बनने का। जी 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 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या हुआ, किसका फोन था? वो आ रहे हैं। कौन? वो होते हैं ना साईं। नहीं वो दिमाग का होता है ना वो चुरन। अम्मा वो होता ना उसके आगे ट्रिस्ट। दम शरक पहला वट क्या? तुमको ये खेलेंगे तुम्हारे साथ हम? हाँ अरे वो आ रहे हैं, वो आगे ट्रिस्ट नहीं लग जाता है वो साइकियाट्रिस्ट। हाँ वो आ रहे हैं। हिंदी में बोल नहीं सकती थी, मनोचिकित्सक। खामखा इतना वक्त बर्बाद किया। पूरी बात तो बताइए। हाँ तो हमारे जानने वाले वो मनोचिकित्सक नहीं है, उनसे हमने मैडम सर के बारे में बात किया, पता किया कि भाई इसका क्या है इलाज, तो होगी बात हो गई। हाँ तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा है कि मैडम सर को छद्म छवि का प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा किसका? छद्म छवि मतलब बताओ समझाओ। दिस इज द स्प्लिट पर्सनालिटी ऑफ मैन एंड वुमन, पहली आती है तो दूसरी चली जाती है, दूसरी आती है तो पहली चली जाती है। हाँ तो फिर डॉक्टर साहब ने इलाज क्या बताया? सब्र, संयम और पेशेंस। उनको हमको हाँ ये परिस्थिति वश आती है पुष्पा जी, इसका कोई इलाज ही नहीं है। ये खुद से आ जाती है और फिर अचानक खुद से गायब भी हो जाती है, तो ये तो मैडम सर खुद ही खुद को ठीक कर सकती है, हमें तो वेट करना होगा मैडम सर के आने का। अरे मगर और कितना इंतजार करेंगे? हमको नहीं पता। उनकी छद्म छवि उनकी असली छवि की धज्जियां उड़ा देगी। मेरे खम्भे की भी धज्जियां उड़ा देगी। अब तक तो 3 खम्भे उड़ा दिए है। खम्भों की पड़ी है। माँ मुझे अर्थपेड के पास लेके चलो। क्यों? सास बहू मिलकर मेरी उंगलियां तोड़ दी है। बड़ी तुमको इधर जाना है उधर जाना है। उर्मिला ने तो कुछ किया नहीं ना? जी हाँ जी कहिए क्या काम है? हमें हसीना मैडम से मिलना है, कंप्लेंट लिखवानी है। जी वो अभी उपलब्ध नहीं है, आप हमें बताइए आपकी क्या समस्या, आइए। मैडम मेरा नाम जगदीश पुरी है, मैं अकाउंटेंट हूँ कंपनी में। ये मैडम, ये सर, ये हम सब कंपनी में काम करते हैं जी, जिसका नाम है। माँ चाय पी के आते हैं। बिल्ले करामात सैनिटरी वेयर्स। समस्या दिक्कत क्या है फिर इसमें? दिक्कत ये है मैडम कि बिना कोई कारण बताए हम सबको हमारी बॉस ने प्रमोट कर दिया है, कंपनी से निकाल दिया है साहब। ये बात वही कटौती की बीमारी अब यहाँ भी आ गई। सारी दुनिया का यही हाल है अंकल जी। मतलब सारी दुनिया में यही बजट कटौती की महामारी चल रही, वो हम ऐसे आ रहे थे। नहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कंपनी घाटा में चल रही हो, इसलिए उन्होंने जो है ऐसा डिसाइड किया हो। नहीं मैडम नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या बात है जल्दी बताइए, पूरा साल नहीं है हमारे पास आपका ये बात सुनने के लिए। कंपनी के अकाउंटेंट हम हैं मैडम। वो बता दिया। नहीं तो उस हिसाब से कंपनी फायदे में जा रही है या नुकसान में, ये तो हमें पता होगा ना मैडम। कंपनी मुनाफे में है। हाँ, आपको वो कंपनी से निकालने के बाद कंपनी को फायदा क्या होगा? कंपनी हमारी जगह पर कम अनुभवहीन लोगों को कम पगार पे रखकर हम सबको मैडम हटा रही है। पर ये तो गलत है ना, कम काबिल लोगों को अगर नौकरी पे रखेंगी तो प्रोडक्ट भी तो जो है वो सफर करेगा, उसका क्वालिटी गिर जाएगा। क्वालिटी की बात कौन करता है मैडम, आज के टाइम में कंपनी बस पैसे बनाना चाहती है। नहीं मैडम, इसीलिए हम लोग यहाँ हसीना मैडम के पास आए थे कि बस वो हमारी नौकरी वापस हमें दिलवा दें, क्योंकि इस उम्र में हम कहाँ धक्के खाएंगे, बस यही कहना था। थैंक यू मैडम। ठीक है आप घबराइए मत, आपकी बात हसीना मैडम तक पहुँचा दी जाएगी। आपके मामले में कुछ बात करते हैं, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, अभी आप जा सकते हैं। धन्यवाद। आपका बहुत 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 धन्यवाद। हाँ ठीक है जाइए। चलो वो आपके पॉज में प्ले हो गए क्या? हाँ क्या कहा आपने? क्या कहेंगी मैडम सर से? मैडम सर हैं कहाँ? उनके अंदर तो उर्मिला घुसी हुई है ना। हाँ कह तो दिया, इन सब से तसल्ली दे दी आपने, मगर कैसे सुलझाएंगी ये समस्या? और कौन सुलझाएगा, हम ही को ही कुछ करना होगा। अरे मैडम डिस्काउंट देने ही तो बोल रहे हैं, कौन सा ही दुकान हम अपने नाम करने बोल रहे हैं। बोला ना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेना है तो लो नहीं तो रास्ता नापो। हमसे ऐसे बात करेंगी? आपको पता है हम कौन है? कौन है? हम है चंपक। बुलबुल पांडे का नाम सुनी? जानकीपुरम थाने का SHO, और हम हैं उसके साले, इसलिए कह रहे हैं डिस्काउंट दे दीजिए। अब तो यमराज का साला भी होता ना तब भी एक पैसा डिस्काउंट नहीं देती। लेना है तो लो नहीं तो रास्ता नापो। सुनिए अगर हमारा दिमाग घूम गया ना तो 2 मिनट लगेगा ये दुकान बंद कराने में, सिर्फ 2 मिनट। अबे जा, एंटी करप्शन वालों को फोन करूंगी ना तो 2 मिनट में तेरी वर्दी उतर जाएगी, समझा क्या? चल निकल। ठीक है चलते हैं, पर देख लेंगे आपको। देख लेना, देख लेंगे, अच्छी तरीके से देख लेना। ये बात अब होगी हसीना मलिक की इमेज खराब। ये पर्स मस्त है, मैं लेके जा रही हूँ। जरूर लेकर जाइए मैडम, मैं पैसे नहीं दूंगी इसके, ऐसे ही लेके जा रही हूँ। कोई बात नहीं मैम, मैंने आपसे पैसे मांगे भी नहीं, आप शौक से लेकर जाइए जो आपको चाहिए। आप इतना कुछ करती हैं हमारे लिए, आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? नाम तो खराब करना ही है हसीना मलिक का, वरना कंप्लेन कैसे होगी हमारे अगेंस्ट। फिर से कोशिश करते हैं। फिर ठीक है, एक काम करो, सारे के सारे पर्स निकाल के यहाँ सामने रखो, हम सब के सब लेके जाएंगे। ये दुकान आपकी है मैम, आपको जो चाहिए आप ले जाइए। मैडम एक काम करो, तुम्हारे गले में जितने पैसे वो भी निकाल कर दो हमें। जरूर, ये लीजिए चाबी। अरे हमने तुमसे तुम्हारी पूरी दुकान ले ली, हम किसी चीज के पैसे नहीं दे रहे हैं, हम अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और तुम हमारी कंप्लेन करने की बजाय सब कुछ खुशी खुशी दे रही हो। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आप ही का दिया हुआ है मैडम। क्या? आपने शायद दुकान का नाम नहीं पढ़ा। ये मैडम सर क्यों लिखा है दुकान पे? 3 साल पहले अचानक इस दुकान में आग लगने के बाद और उस आग में अपने पति को खोने के बाद मेरे लिए जीने की कोई वजह ही नहीं बची। खुद को खत्म करूं और सारे दुखों से पीछा छुड़ा लूं, ऐसा सोच रही थी मैडम, मगर फिर आपको मुश्किलों का सामना करते हुए देखा मैंने। बहुत हिम्मत मिली मुझे फिर से जीने की। दुकान क्या चीज है मैडम, आप जान भी मांग लेती ना तो 1 सेकेंड नहीं लगाती। ये हसीना मैडम करना क्या चाह रही थी? खबर जरूर बुलबुल पांडे तक पहुंचाना होगा। Enough, I am done with it. आपको पता आप किनका बात कर रही हैं? उन लोगों के बारे में जो लोग आपके साथ कितने सालों से काम करते आए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दिया आपकी कंपनी को। अगर आप ऐसे रातों रात उनको कंपनी से निकाल देंगे तो उनके बारे में थोड़ा तो सोचिए, कहाँ जाएंगे वो लोग? और नहीं तो क्या। अरे इतने सालों में एक जगह पे रखे हुए पत्थर के साथ भी लोग भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। ये लोग तो फिर भी इंसान हैं जिन्हें आप नौकरी से निकाल रही हैं। कुछ तो सोचिए उनके बारे में जिन लोगों ने आपकी कंपनी के लिए इतने सालों में इतना कुछ किया। Excuse me, अगर इतने साल उन्होंने काम किया है तो इसके लिए उन्हें सैलरी मिली है। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, हर कोई अपने बिजनेस में प्रॉफिट के बारे में सोचता है, और अगर मैंने ऐसा सोचा तो कौन सा क्राइम कर दिया भाई। और मैं कोई पहली ओनर नहीं हूँ किसी कंपनी की जो इस तरह के इनिशिएटिव ले रही हूँ। सारी दुनिया में यही हो रहा है, किस किस को रोकेंगी आप? माफ कीजिएगा, बिजनेस इमोशनल होकर नहीं किए जाते। आई एम सॉरी बट आई एम कंसर्न्ड विद माय कंपनीज प्रॉफिट, नॉट पीपल। अरे भाई आई कम्प्लीटली अग्री विद यू, 100% सच बोल रही है। अरे अभी कंपनी होएगा तो एम्प्लॉय होएगा ना, नहीं तो खाली पीली इमोशन का अचार डालने का मतलब। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम आपसे सहमत हैं। होता है बिजनेस में, जब बजट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा तो उसका संतुलन बनाकर रखने के लिए थोड़ा ये सब करना पड़ता है। इट हैपेंस, नथिंग पर्सनल। आप हसीना मलिक, एसएसओ एसएचओ, वेरी गुड, यानी इन सब की बॉस। हाँ बराबर, इन सब की बॉस। और एक बॉस ही अच्छी तरह से जान सकता है कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उसको क्या क्या झेलना पड़ता है। बराबर, बिल्कुल। तो आप समझाइए अपने इन जूनियर्स को जो बेकार में मुझे यहाँ बुलाकर एक नॉनसेंस टॉपिक पर डिस्कस कर रही हैं और अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं। अंडरस्टैंडिंग, सॉरी डिस्टर्ब, थैंक यू कमिंग, बाय बाय। थैंक यू। ये देखा देखा, क्या एक नंबर इंग्लिश चिपकाई में उसको। क्या बोलती पब्लिक? क्या कहा तुमने? बॉस हो तुम हमारी, बॉस का मतलब भी समझती हो? बॉस होता है टीम लीडर, और जो टीम लीडर होता है ना वो अपनी पूरी टीम को फैमिली मानता है। अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, जान भी दे सकता है, परिवार का सदस्य मानता है हर किसी को। हसीना मैडम है हमारी टीम लीडर, जो वक्त आने पे अपनी टीम के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकती है। आई बड़ी टीम लीडर की बातें कर रही हो, बकैती मत क्या करो हमारे सामने। हम हैं आपकी बॉस करिश्मा सिंह, हम ही हैं मैडम सर, और आप सब हमारा परिवार। उर्मिला का मुखौटा पहन लेंगे लेकिन आप में से किसी पर भी आंच नहीं आने देंगे। जैसा कि आप जानती हो पूरी दुनिया में बजट कंट्रोल अभियान चल रहा है, जिसके चलते आलसी, कामचोर और भ्रष्ट अधिकारियों की छटनी हो रही है। इस बजट कंट्रोल अभियान के तहत हर थाने और हर पुलिस कार्यालय से एक एक पुलिसकर्मी को हटाने का आदेश पारित किया गया है। अब यहाँ आपके मतलब की बात यह है कि ये काम थाने के प्रमुख का होगा। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमारी टीम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसे निकाला जा सके, सब बहुत ही ईमानदार हैं। हसीना मलिक जी, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये सरकारी आदेश है जिसका पालन हमें करना ही होगा, आपको एक नाम देना ही होगा। अच्छा ठीक है, हम अपना नाम दे देते हैं, आप हमें पोस्ट से निकाल दीजिए। कैसी बात कर रही है मिस मलिक? अरे ये छटनी अयोग्यता और भ्रष्टाचार के आधार पर हो रही है, और आपकी योग्यता और ईमानदारी पर तो आपके शत्रु भी संदेह नहीं कर सकते। सर ठीक इसी तरह हमारी पूरी टीम की योग्यता और ईमानदारी पर हमें बिल्कुल भी शक नहीं है सर। उनमें से कोई भी ये नहीं है जिसे बस निकाल दिया जाए। सर वैसे ही संतोष शर्मा के जाने के बाद हमारे थाने में एक पोस्ट खाली है, और ऐसे में आप ये सब। संतोष शर्मा एक साइबर एक्सपर्ट थी, उनकी खाली जगह लेने के लिए कोई न कोई आ जाएगा। देखिए हसीना मलिक, आपको कोई एक नाम तो देना ही होगा जिसे पुलिस फोर्स से हमेशा के लिए निकाला जा सके। आपके पास 3 विकल्प हैं, पुष्पा सिंह, करिश्मा सिंह या फिर सीता चतुर्वेदी। हम अपनी टीम को किसी भी हालत में बचा के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें करप्शन का इल्जाम ही क्यों ना लेना पड़े।